जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IPL 2020 के पहले मैच के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने घोषित की चेन्नई की प्लेइंग 11 टीम, खुद का नाम ओपनर के तौर पर रखा। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी हम सभी को IPL 2020 में ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे पहले मुकाबले में या फिर नहीं। पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और वहीं यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि IPL 2020 में नए बदलावों के साथ अलग होगा IPL का 13वां सीजन, मिलेंगे एक्स्ट्रा 5 रन इस गलती को करने पर। तो IPL में जो नियम बदले गए उनके बारे में भी बताएंगे। और वहीं तीसरी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, RCB के कप्तान कोहली ने कहा हमने अपने मौजूदा परिस्थिति को कबूल कर लिया है। तो इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा का पहला मुकाबला देखने के लिए तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल RS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे ही आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि शनिवार 19 सितंबर को जैसे ही UAE के समय के हिसाब से घड़ी में शाम के 6 बजेंगे और भारत के समय के हिसाब से जब घड़ी में शाम के 6:30 बजे होंगे, तो उस समय अबू धाबी में इंडिया का त्योहार कहा जाने वाला IPL का 2020 का सीजन शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, IPL के 13वें सीजन के आगाज मैच में 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना 3 बार की IPL विजेता चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। तो वहीं हम आपको बताएं कि IPL 2020 के इस हाई वोल्टेज मैच को शुरू होने में अब मात्र कुछ ही समय बाकी है, और इससे पहले आप सभी के अंदर भी उत्सुकता होगी कि आखिरकार वो कौन से 11 बड़े खिलाड़ी होंगे जो आप सभी को मैदान पर खेलते हुए दिखने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि IPL 2020 के पहले मुकाबले में रोहित शर्मा डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को पहला मैच जिताने उतरेंगे। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस ही नहीं बल्कि CSK की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाली है। गौरतलब यह है कि IPL 2019 का फाइनल भी रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और MS धोनी की कप्तानी वाली CSK के बीच में खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस को 1 रन से जीत मिली थी। जहां ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होगा क्योंकि माही आर्मी बदले की भावना से उतरेगी। तो वहीं मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो UAE में मुंबई इंडियंस की टीम पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर होगी, क्योंकि 2014 के सीजन में मुंबई इंडियंस ने 5 मुकाबले खेले थे लेकिन एक भी मैच में टीम को जीत नहीं मिली थी। तो ऐसे में CSK की टीम का पलड़ा भारी लग रहा है। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो खबर ये निकल कर आ रही थी कि चेन्नई की टीम की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी हम सभी को ओपनिंग करते हुए मैदान पर दिखाई देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात की पुष्टि प्लेइंग 11 टीम देखने के बाद आप सभी कर पाएंगे। तो आइए चलिए अब हम आपको पूरी प्लेइंग 11 टीम बताते हैं चेन्नई सुपर किंग की। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग की टीम में जो बल्लेबाज शामिल हुए हैं उसमें है MS धोनी और ऑस्ट्रेलिया टीम के खतरनाक बल्लेबाज शेन वॉटसन, अंबती रायडू, फाफ ड्यूप्लेसिस, केदार यादव। तो वहीं दोस्तों बात करें ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो का नाम दिया गया है। और वहीं गेंदबाजों में शार्दुल ठाकुर, पीयूष चावला, दीपक चार और इमरान ताहिर आते हैं। तो आइए चलिए अब हम आपको पूरी प्लेइंग 11 टीम बताते हैं। तो दोस्तों, ओपनिंग जो करेंगे वो होंगे शेन वॉटसन, अंबती रायडू, और वहीं जो मिडिल ऑर्डर संभालेंगे वो होंगे फाफ ड्यूप्लेसिस, MS धोनी, केदार यादव। और बात करें ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो हम सभी को 6वें और 7वें नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे, और गेंदबाजों में 8वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर, 9वें नंबर पर पीयूष चावला, 10वें नंबर पर दीपक चाहर और 11वें नंबर पर इमरान ताहिर। तो इसमें दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 टीम काफी ज्यादा जबरदस्त दिखाई दे रही है। और वहीं दोस्तों बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो पहले मैच में महेंद्र सिंह धोनी हमें ओपनिंग करते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हो, क्या महेंद्र सिंह धोनी को पहले मुकाबले में ओपनिंग करनी चाहिए थी, क्या मानते हो कि मुंबई इंडियंस की टीम को क्या CSK की टीम हरा पाएगी पहले मुकाबले में या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय जरूर बताना। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा रुकिए, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा क्रिकेट फैंटसी ऐप लेकर आया हूं जिसका नाम है हाउसेड। जी हां दोस्तों, हाउसेड एक इकलौता भारत में ऐसा फैंटसी क्रिकेट ऐप है जो कि फुटबॉल के और क्रिकेट के बड़े बड़े टूर्नामेंट जैसे कि CPL, UEFA कप, IPL जैसी बड़ी बड़ी लीगों को कंडक्ट करता है। तो वहीं दोस्तों, अगर आपको भी क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और आप उसको देखते हुए पैसा कमाना चाहते हो, तो हाउसेड आपके लिए बिल्कुल सही ऐप है। जी हाँ, मैं आपको बताऊँ, आप अपनी क्रिकेट नॉलेज के दम पर आप यहाँ पर काफी सारा पैसा जीत सकते हो। और जैसा कि आप सब यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जितने भी अभी फिलहाल में T10 और T20 लीगें चल रही हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई जा रही है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि हाउसेड पर आप सभी इजीली विड्रॉल भी कर सकते हो और यहाँ पर जीता हुआ पैसा आप सभी के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और साथ में हाउसेड पर अभी एक ऑफर भी चल रहा है जहाँ पर आप 100% वेलकम बोनस का फायदा उठा सकते हो। मान लो अगर मैं यहाँ पर 100 रुपए डिपोजिट करता हूँ तो मेरे को 100 रुपए ही एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों, हाउसेड की एक खास बात यह है कि अगर आप अपने किसी भी दोस्त को इस ऐप को ट्रांसफर करते हो तो आप सभी को 500 रुपए यहाँ पर मिलेंगे
देंगे एक रेफर करने पर। तो आप सभी क्या सोच रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करो और हाउसेट ऐप डाउनलोड करो और आज ही से लाखों रुपए कमाना शुरू करो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर है वो ये है, नए बदलावों के साथ अलग होगा आईपीएल का 13वां सीजन, मिलेंगे 5 रन एक्स्ट्रा। जी हां दोस्तों, आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज अब चंद घंटों में ही होने वाला है। तो वही बात करें कि आईपीएल इस बार कैसे अलग होगा, तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे नए नए रूल बनाए गए हैं आईपीएल के लिए। तो वही इसमें से जो सबसे ज्यादा गौर देने वाला रूल ये है कि बॉलर इस बार गेंद पर लार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, आईपीएल के 13वें सीजन में गेंदबाज बॉल को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि गेंदबाजों की माने तो T20 फॉर्मेट में इस बदलाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर की यूएई की पिच में। लेकिन दोस्तों अगर कोई गेंदबाज फिर भी लार लगा देता है और उसको दो बार वार्न किया जाता है और तीसरी बार वो फिर ये काम करता है, तो अपोजिट टीम को उसकी इस गलती पर 5 रन दिए जाएंगे। बाकी आपका इस रूल के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये है, आरसीबी के कप्तान कोहली ने कहा, हमने अपने मौजूदा परिस्थितियों को काबू कर लिया है। जी दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को कहा कि खिलाड़ियों ने बायो सिक्योर बबल से सामंजस्य बैठा लिया है, क्योंकि उन्होंने इस महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति को समझ लिया है जिसके कारण वह अनिश्चित समय में क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं कोहली ने कहा कि आईपीएल का आने वाला सीजन पूरे विश्व के दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और इससे खिलाड़ी खाली स्टेडियमों में खेलने के बाद भी प्रेरित रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों विराट कोहली ने यहाँ पर इस महामारी के बारे में बोला और अपनी टीम के बारे में उन्होंने बड़ा इंटरव्यू दिया है। बाकी आप यहाँ पर उनका पूरा इंटरव्यू देख सकते हो। और आपकी विराट कोहली के बारे में क्या राय है, क्या विराट कोहली की टीम आरसीबी इस बार आईपीएल के फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी राय जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2020 का पहला ओपनिंग मुकाबला 19 सितंबर को चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच में खेला जाने वाला है। तो वहीं बात करें मुंबई इंडियंस और सीएसके की टीम की, तो आईपीएल की टीम ने 4 बार आईपीएल के खिताब को जीता है और सीएसके की टीम ने यह। लेकिन दोस्तों बात यही नहीं रुकती है, बात यहाँ आखिरकार इन दोनों ही कप्तानों में से कौन कप्तान सबसे ज्यादा बेहतर है। तो अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही क्रिकेटर अपनी अपनी जगह पर एकदम परवाल ये उठता है अगर ये खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम के बारे में। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से हम सभी को जो मैदान पर खेलते हुए दिखाई देंगे उसमें जो ओपनिंग करेंगे वो होंगे कप्तान रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक। तो पर ओपनर खिलाड़ी इन दोनों को चुना गया है। तो वही दोस्तों बात करें तीसरे खिलाड़ी की, जो तीसरे खिलाड़ी होंगे वो होंगे कुलकर्णी, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट का नाम शामिल किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों मुंबई इंडियंस की भी प्लेइंग 11 टीम काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि पहला आईपीएल का मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, चेन्नई सुपर किंग की टीम या फिर मुंबई इंडियंस की टीम, अपनी की ताना। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।